गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द डेंटिसन इन मैमल्स। तो बच्चों, आज हम जो है मैमल्स में जो डेंटिसन है, ठीक है, उसके बारे में जो है डिस्कस करेंगे। और इसका जो है एक वीडियो लेक्चर मैंने आपको प्रोवाइड कर रखा है, उसका जो बात का जो रिमेनिंग है, वो टॉपिक रिमेनिंग जो पार्ट बचा हुआ है, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और हमने देखा था कि इसमें जो है प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि टीथ और डेंटिसन क्या है, ठीक है, फंक्शंस ऑफ टीथ देखे थे, सिग्निफिकेंस देखा था टीथ का, टूथलेस मैमल्स को देखा था, ठीक है, और डिफरेंशिएशन देखा था शेप के आधार पर टीथ को किस तरह से जो है डिस्टिंग्विश्ड किया गया है, ठीक है, और अटैचमेंट देखी थी टीथ की हमने, ठीक है। तो ये सब कुछ हम देख चुके हैं। आज हमें बात करनी है सक्सेशन ऑफ टीथ, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। अकॉर्डिंग टू देयर परमानेंस और रिप्लेसमेंट, यानी कि सक्सेशन, टीथ फॉल इंटू 3 कैटेगरीज, पॉलीफायडोंट, डायफायडोंट एंड मोनोफायडोंट। तो बच्चों, इसका कहने का मतलब ये है कि सक्सेशन, यानी कि उसकी परमानेंस और रिप्लेसमेंट के आधार पर, सक्सेशन के आधार पर जो टीथ है उनको जो है 3 कैटेगरीज में जो है डिवाइड करा हुआ है, ठीक है, पॉलीफायडोंट, डायफायडोंट और मोनोफायडोंट। सबसे पहले बात करते हैं हम पॉलीफायडोंट की, कि पॉलीफायडोंट है क्या। जो लोअर वर्टिब्रेट्स हैं, जो निम्न श्रेणी के जो कशेरुकी प्राणी हैं, उनमें क्या है, टीथ को जो है रिप्लेस किया जा सकता है इनडेफिनेट नंबर ऑफ टाइम्स ड्यूरिंग लाइफ। मतलब वो अपने लाइफ स्पैन के दौरान, उनके अपने जीवन के दौरान, वो अपने दांतों को कई बार जो है रिप्लेस कर सकते हैं, कई बार उनके दांत जो है आ जाते हैं। जैसे कि हम अगर अपनी बात करें तो हम कैसे प्राणी हैं, हम डायफायडोंट है। अगर हम ह्यूमंस की बात करें बच्चों, तो हम कैसे प्राणी हैं, हम डायफायडोंट है। जो हमारे दांत है ना, वो कैसे डायफायडोंट है। डायफायडोंट का मतलब ये है कि देखो, जैसे कि आपको पता है कि हमारे में जो है पहले दूध के दांत आते हैं बचपन में, ठीक है, जो जब बच्चा जन्म लेता है तो उसमें कैसे दांत आते हैं, दूध के दांत आते हैं। और एक समय के बाद जो है वो जो दूध के दांत हैं वो टूट के गिर जाते हैं और फिर जो है एक परमानेंट टीथ आते हैं। तो इस तरह से मतलब हमारे में क्या है कि हमारे जीवन में जो है दो बार जो है दांत आते हैं, एक तो दूध के दांत आते हैं और दूसरे जो है परमानेंट आते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम दो बार आते हैं, तो इसलिए क्या बोल रहे हैं उसको, डायफायडोंट बोल रहे हैं, है ना। और जो पॉलीफायडोंट है, पॉली का मतलब है बहुत बहुत बार, जिस ऐसे प्राणी जिनमें जो है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें जो है जो दांतों का आना है वो कई बार हो, ठीक है, कई बार रिप्लेस हो जाए, तो ऐसे जो प्राणी हैं वो कैसे होंगे, पॉलीफायडोंट होंगे। और इसका जो दिस इज नोन एज पॉलीफायडोंट कंडीशन विच इज़ नॉट फाउंड इन मैमल्स। तो ये एक ऐसी कंडीशन है कि यह है एक ऐसी अवस्था है जो कि मैमल्स में, यानी कि स्तनधारियों में नहीं पाई जाती, यानी हम में ऐसी कंडीशन आपको देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है बच्चों। तो यह बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं डायफायडोंट की। तो हम कैसे हैं, डायफायडोंट है, यानी कि हमारे में जो है दो बार जो है दांत आते हैं। इन मोस्ट मैमल्स टीथ डेवलप ड्यूरिंग लाइफ इन 2 सक्सेसिव सेट्स। तो ज़्यादातर जो मैमल्स हैं उनमें जो दांत का जो डेवलपमेंट है, जो विकास है, अब उनकी लाइफ के दौरान, वो दो बार होता है, 2 सक्सेसिव सेट्स में होता है। एक कंडीशन कहलाती है, ये इस कंडीशन को बोलते हैं डायफायडोंट, ठीक है। टीथ ऑफ फर्स्ट सेट आर कॉल्ड डेसीड्यूस, लैक्टियल और मिल्क टीथ। तो जो पहली बार जो दांत आते हैं, ठीक है, बचपन में जो दांत आते हैं उनको क्या बोलते हैं, डेसीड्यूस, लैक्टियल और मिल्क टीथ बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, डेसीड्यूस, लैक्टियल और मिल्क टीथ, ठीक है। और दे यूजुअली इरप्ट आफ्टर बर्थ, ये बर्थ के बाद जो है निकलते हैं। और बट इन गिनिया पिग्स एंड बैट्स एंड अदर्स दे आर फॉर्म्ड एंड सेट इवन बिफोर बर्थ। तो इनमें ये निर्माण तो होते हैं लेकिन बर्थ से पहले ही वो गिर जाते हैं, ठीक है। किन की बात कर रहे हैं हम, गिनिया पिग्स की और बैट्स की और अन्य जो हैं कुछ, ठीक है। मिल्क डेंटिसन हैज़ नो मोल्डर्स। तो जो मिल्क डेंटिसन है, मतलब जो बचपन के जो दांत हैं, लैक्टियल जो टीथ हैं या मिल्क टीथ हैं या डेसीड्यूस टीथ हैं, उनके पास जो है मोलर्स नहीं होते हैं, ठीक है। बात करेंगे मोलर्स क्या होते हैं, और बाद में जो है, तो इनमें जो है मिल्क डेंटिसन में जो है मोलर्स इंक्लूड नहीं होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट, लेटर मिल्क टीथ आर रिप्लेस्ड इन द एडल्ट बाय द परमानेंट टीथ। तो बाद में जो है वयस्क अवस्था आने तक, ठीक है, समय के साथ जो है जो मिल्क टीथ हैं वो रिप्लेस हो जाते हैं परमानेंट टीथ के द्वारा, विच इज़ लास्ट थ्रू आउट द लाइफ। और वो
लास्ट तक रहते हैं, मतलब जब तक मनुष्य की मृत्यु होती है या जब तक जो है जो मैमल्स हैं उनकी मृत्यु होती है। इफ़ लॉस्ट दे आर नॉट रिप्लेस्ड, अगर वो ख़त्म हो जाते हैं तो वो कभी भी रिप्लेस नहीं होंगे उनके, मतलब अगर वो ख़त्म हो जाते हैं तो दोबारा वहाँ पर दांत नहीं उगेगा, ठीक है, दांत नहीं आएगा, ठीक है। इन कैप आंट ईटर्स और आर्ड वार्क्स मिल टीथ आउट नंबर दी परमानेंट टीथ। तो ये कह रहा है कि भाई जो ये आंट ईटर और आर्ड वार्क्स है, कैप आंट ईटर, इसमें क्या है कि जो मिल्क टीथ है वो काफ़ी ज़्यादा संख्या में होते हैं परमानेंट टीथ की अपेक्षा। नेक्स्ट बात करते हैं मोनोफाइडोंट की। ऐसे प्राणी इन सम एनिमल्स जैसे कि प्लेटिपस, मार्सुपियल्स, मॉल्स, सारे साइरेनियंस, टूथलेस वेल्स एक्सेट्रा, ओनली वन सेट ऑफ टीथ डेवलप्स। तो ये एक ऐसे प्राणी हैं जिनमें जो है केवल एक बार ही टीथ जो है डेवलप होते हैं, और ऐसी कंडीशन को क्या बोला जाता है, मोनोफाइडोंट कंडीशन बोला जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं काइंड्स ऑफ टीथ की। तो काइंड्स ऑफ टीथ की अगर हम बात कर रहे हैं, जैसे कि हमने पहले ही जो है मेंशन कर रखा है कि चार टाइप्स के जो है टीथ जो है पाए जाते हैं मैमल्स में, इंसीजर्स, कैनाइंस, प्रीमोलर्स और मोलर्स, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इंसीजर्स की, ठीक है, मतलब हमारे में जो है चार तरह के दांत पाए जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं इंसीजर्स की। दीज आर दी फ्रंट टीथ, तो ये जो आपको सबसे सामने जो दिखते हैं वो फ्रंट टीथ जो हैं वही जो क्या कहलाते हैं, इंसीजर्स कहलाते हैं, विच इज़ बॉर्न बाय प्रीमैक्सिली इन द अपर जो एंड टिप्स जो है डेंटरीज की इन द लोअर जो। दे आर सिंगल रूटेड, तो ये सिंगल रूटेड है, मोनोकस्पिड है और लॉन्ग है, कर्व्ड है और शार्प इनकी एज है, ठीक है। दे आर अडेप्टेड फॉर सीजिंग, कटिंग और बाइटिंग, तो ये किसके लिए अडेप्ट है, सीजिंग के लिए, कटिंग के लिए और बाइटिंग के लिए। इन रोडेंट्स और लेगोमॉर्फ्स इंसीजर्स आर ओपन रूटेड, तो रोडेंट्स में और लेगोमॉर्फ्स में यानी कि रैबिट्स की अगर हम बात करें तो इनमें कैसे हैं, इंसीजर्स हैं, ओपन रूटेड है और ये लगातार जो है ग्रो होते हैं अब लाइफ के दौरान, थ्रू आउट लाइफ। दे हैव इनेमल ऑन देयर एंटीरियर फेस ओनली, तो इनकी जो है एंटीरियर फेस होती है उस पर केवल इनेमल होता है, सिंस इनेमल्स वियर्स डाउन मोर स्लोली देन डेंटाइन, ठीक है। शार्प चीजें लाइक एजेस रिजल्ट विच सर्व फॉर कटिंग एंड प्लॉइंग, तो इनेमल जो है ज़्यादा मोर स्लोवली, मतलब कि बहुत आराम से जो है वियर डाउन होता है डेंटाइन की अपेक्षा, और शार्प चीज़ें लाइक इनके एज होते हैं, ठीक है, काफ़ी तीक्ष्ण जो है वो होते हैं इनके किनारे, जो लास्ट का जो पार्ट होता है मतलब पॉइंट पॉइंटेड जैसे छीनी होती है ना ऐसे, और जो कि किसी के लिए सर होते हैं कटिंग के लिए और ग्राउंग के लिए। इन लीमर्स इंसीजर्स आर डेंटिकुलेट लाइक कॉम्ब, तो ये डेंटिकुलेट होते हैं जैसे कंघा, ठीक है, सर्विंग फॉर क्लीनिंग फर, जो कि फर को क्लीन करने के काम आते हैं। एलिफेंट के जो टस्क आपने देखे हैं, ठीक है, आर मॉडिफाइड अपर इंसीजर्स, तो वो क्या है, रूपांतरित जो ऊपर के जो इंसीजर्स हैं वो हैं विद ओपन रूटर्स, ठीक है। इंसीजर्स में मतलब आपने देखा है ना हाथी के, हाथी में जो है दो दांत आपको आगे दिखाई देते हैं, तो वो क्या है, इंसीजर्स हैं और ओपन रूटेड है। इंसीजर्स जो है टोटली एब्सेंट होते हैं स्लॉथ्स में और लैकिंग होते हैं ऑन द अपर जो ऑक्स में, ठीक है। कैनाइंस की अगर हम बात करें तो एक सिंगल कैनाइन टूथ अकर्स होता है ईच हाफ ऑफ ईच जॉ में, तो एक सिंगल कैनाइन जो है, अब ये जो कैनाइन है ये सिंगल पाया जाता है प्रत्येक जबड़े में, प्रत्येक हाफ में, ठीक है, जस्ट आउटसाइड द इंसीजर्स। तो इंसीजर्स के बाद जो है किसका नंबर आता है, कैनाइंस का, और अपर कैनाइंस आर द फर्स्ट टीथ है मैगजिली के ऊपर, ठीक है, और कैनाइंस आर जनरली इलोंगेटेड होते हैं, सिंगल रूटेड होते हैं और विद अ कॉनिकल शार्प मोनोकस्पिड क्राउन, जिनका जो है कॉनिकल शार्प मोनोकस्पिड क्राउन होता है। दे आर मीन्ड फॉर पायरसिंग, टीयरसिंग, टीयरिंग एंड ऑफेंस और डिफेंस एंड डिफेंस, तो ये किसके लिए होते हैं, पायरसिंग के लिए, टीयरिंग के लिए, ऑफेंस के लिए और डिफेंस के लिए। कॉर्निवर्स यानी डॉग की बात करें अगर हम, ठीक है, तो कैनाइंस जो है बिकम लार्ज, स्ट्रॉन्ग एंड पॉइंटेड स्पेयर लाइक फॉर टीयरिंग प्लेस, तो जो डॉग है उनमें जो कैनाइंस हैं वो बड़े होते हैं, मजबूत होते हैं, पॉइंटेड होते हैं, स्पेयर लाइक होते हैं फ्लैश को टीयर करने के लिए, ठीक है, फाड़ने के लिए। देखिए जैसे कैनाइन टीथ है ऑफ कार्निवोर जैगुआर का, बी में है ऑफ मेल मस्क डियर और सी में है ऑफ वॉलरस। ये जो है मुख्य रूप से जो है लार्जर होते हैं मेल्स में, और दे आर प्रेजेंट इन ओनली इन अपर जॉ इन मेल मस्क डियर, तो ये जो है जो मेल मस्क डियर है उसमें जो है ऊपर का जो जबड़ा है उसमें उपस्थित होते हैं।
अपर कैनाइन्स फॉर्म टस्क इन वॉलरस। तो जो अपर कैनाइन है वो वॉलरस में टस्क की फॉर्मेशन करते हैं डाइविंग के लिए मॉलस्क को और लोकोमोशन के लिए आइस पर। ठीक है, कैनाइन्स जो है एब्सेंट होते हैं कुछ हर्बीवोर्स में जैसे कि रोडेंट्स, रैट्स, लगमोर्फ, रैबिट्स और कुछ एंगुलेट्स, ऑक्स, लिविंग जहाँ पर जो है एक वाइट टूथलेस स्पेस जो है छोड़ा जाता है जिसको बोलते हैं डायस्टेमा। बात करते हैं चीक टीथ की, तो कैनाइन्स आर फॉलोड बाय प्रीमोलर्स फॉलोड बाय मोलर्स। तो कैनाइन्स के बाद जो है कौन से दांत आते हैं प्रीमोलर्स, और प्रीमोलर्स के बाद जो है कौन से आते हैं मोलर्स। दोनों प्रकार के जो कलेक्टिवली दांत हैं उनको कलेक्टिवली बोला जाता है चीक टीथ। ठीक है, और इनके जो क्राउंस हैं वो ब्रॉड सर्फेसिस होते हैं जिनकी जिनमें जो है रिज्स होती है और ट्यूबरकल्स होती है जो कि मेनली किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्रशिंग के लिए, ग्राइंडिंग के लिए और च्यूइंग के लिए। देखिए नेक्स्ट बात करें प्रीमोलर्स जो है यूजुअली प्रीमोलर्स के पास जो है दो रूट्स होते हैं, दो कस्प होते हैं और जो कि रिप्रेजेंटेड होती है मिल्क डेंटिशन में। मोलर्स जो है जनरली इनके पास जो है दो रूट से ज़्यादा होती हैं और सेवरल बहुत सारे कस्प होते हैं और ये दे डू नॉट हैव मिल्क प्रेडेसर्स। ठीक है, मिल्क डेंटिशन में इंक्लूड नहीं हो। ठीक है, कार्निवोर्स की बात करें तो लास्ट प्रीमोलर्स जो है अपर जॉ में, अगर लास्ट प्रीमोलर्स की बात करें कार्निवोर्स में अपर जॉ में, तो एंड फर्स्ट मोलर्स जो है लोअर जॉ में मे हैव वेरी शार्प कस्प। तो इसके पास जो बहुत ज़्यादा शार्प कस्प होते हैं इसलिए बोन्स को क्रैक करने के लिए और टेंडन्स को शियर करने के लिए, और इसलिए इनको क्या बोलते हैं कार्निशियल टीथ बोलते हैं। ठीक है, दोबारा समझेंगे, जो कार्निवोर्स होते हैं यानी कि जो मांसाहारी प्राणी होते हैं जो मांस को खाते हैं, ठीक है, तो इनमें क्या होता है जो लास्ट का जो प्री मोलर होता है ऊपर के जबड़े में और जो पहला मोलर होता है नीचे के जबड़े में उनके जो है बहुत ज़्यादा शार्प यानी तेज कस्प होते हैं। ठीक है, बोन्स को क्रैक करने के लिए और टेंडन्स को शियर करने के लिए, और इसलिए इनको क्या बोलते हैं कार्निशियल टीथ। तो आपको ये ध्यान रखना है लास्ट प्री मोलर्स इन अपर जो और फर्स्ट मोलर्स इन लोअर जो। ठीक है, इन लीमर्स की बात करें तो पहला जो प्रीमोलर है आर लाइक कैनाइंस, तो जो पहला प्रीमोलर है वो कैनाइंस की तरह होता है। इन क्रेबिटर सील मोलर्स बियर करते हैं डेंटिकुलेट प्रोसेस टू स्ट्रेन प्लैंकटन। तो क्रेबिटर सील में जो है मोलर्स किस तरह के होते हैं उनके डेंटिकुलेट प्रोसेस होते हैं जो कि प्लैंकटन को स्ट्रेन करने के लिए काम आते हैं। इन हायर प्राइमेट्स यानी कि मैन की बात करें तो जो लास्ट मोलर है उसको जो है विजडम टीथ बोलते हैं, और इसका इरप्शन जो है बहुत समय बाद होता है, मतलब बहुत उम्र के बाद जो है 30 के करीब जो है इसका इरप्शन होता है, निकलता ही है, और इट इज इम्परफेक्टली फॉर्म्ड और एब्सेंट इन मैन। और देखा गया है कि ये असंख्य रूप से जो है बनता है, अपूर्ण रूप से या जो है मनुष्य में अनुपस्थित होता है। चीक टीथ जो है विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं, डिपेंड करता है उनकी नंबर, शेप और अरेंजमेंट जो है कस्प का कैसा है। ठीक है, तो फिलहाल तो हम इतना ही देखेंगे इसमें, नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि क्या जो है चीक टीथ के वेरियस टाइप्स हैं। तो तब तक के लिए धन्यवाद।